बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल अंडा मसाला। अभी बहुत ही ज़बरदस्त अंडा मसाले की ग्रेवी है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, आप लोगों को आई एम डैम श्योर बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको एज ए साइड डिश भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप लोग इसको रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हो। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई। इसको गर्म होने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। अभी ऑयल में हमेशा कहती हूँ आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम ज्यादा आपकी मर्जी। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैंने यहाँ पे ऐड किया है खड़ा गरम मसाला, जिसमें मैंने ऐड किया है 2 इलायची, 3 लौंग और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। जैसे ही स्प्लटर होता है इसमें मैं ऐड करूंगी 3 ग्रीन चिलीज। आप लोग ग्रीन चिलीज अपने हिसाब से या फिर अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम ज्यादा आप लोग आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब क्यूमिन यानी कि जीरा ऐड किया है एंड 1/2 टीस्पून काली मिर्च को ऐड किया है। जैसे ही ये सब थोड़ा सा फ्लटर होते हैं मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज ऑनियन को ऐड किया है ग्रेवी के लिए। अब हम लोग ये जो मसाला भुनेंगे इसको हम लोग बाद में ग्राइंड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ऑनियन को जो है मोटा मोटा चॉप करके डाला हुआ है। अभी टमाटर मैं आधा ले रही हूँ एंड ये थोड़ा पीला यानी कि कच्चा टमाटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पका हुआ लाल टमाटर नहीं होना चाहिए, वरना ग्रेवी जो है वो रेड हो जाएगी। मुझे लाल ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पीला, या फिर मुझे ग्रीन टोमेटो नहीं मिला इसलिए मैं थोड़ा पीला टमाटर जो है वो आधा इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। साथ ही में मैं ऐड करूँगी अराउंड 10 बादाम। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप लोग 10 कैशू इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बादाम भी नहीं है, कैशू भी नहीं है, तो आप लोग बस थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हो, बस वो थोड़ा रिच क्रीमी फ्लेवर आने के लिए। इन मसालों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि बाद में हमें इसे ग्राइंड करना है। अभी सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड्स। अभी ये जो है ये नॉर्मल अंडा मसाला नहीं है, ये साउथ इंडियन अंडा मसाला है जिसमें राई और करी लीव्स तो मस्ट है। अगर आप लोग नॉर्मल अंडा मसाला बनाते हो तो उसमें राई नहीं पड़ती। मैं ये साउथ इंडियन बना रही हूँ इसलिए राई ऐड कर रही हूँ। साथ ही में मैंने थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया है, काली मिर्च एंड फ्रेश करी लीव्स। अभी मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ले रही हूँ। इन सब मसालों के ऊपर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करके इनको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया है। अब अदरक लहसुन को तब तक भुनेंगे जब तक कि इसकी जो स्मेल है वो चली ना जाए। देन मैंने यहाँ पे जो मसाला ऑलरेडी रोस्ट करके ठंडे के लिए रखा हुआ था उसको ग्राइंड कर लिया था, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इस मसाले को भी हम लोग अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। ऑलरेडी मसाला भून चुका है तो उतना इसको पकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इस ऑयल के साथ तड़के के साथ पका लेंगे। अभी जो मिक्सर जार में मसाला बचा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके से ऊपर से डाल दिया और लो फ्लेम में मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। मसाला जो है अच्छे से पक चुका है तो मैं यहाँ पे 6 बॉइल्ड एग्स ले रही हूँ। अब ये अंडों के ऊपर इस तरीके से चाकू की मदद से हम थोड़े से कट्स लगाएंगे एंड एक एक करके अंडे को डाल देंगे। इस तरीके से जो है मसाला बहुत अच्छी तरीके से अंडों में चला जाएगा और अंडे भी जो है बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को अंडों को पहले ही सॉटे करना है तो आप लोग थोड़ा सा ऑयल में चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर डालकर अंडों को डाल के सॉटे करके भी ऐसे स्प्लिट करके डाल सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लिड बंद करके दम पे छोड़ूंगी। अभी ये अंडे जो है अच्छे से दम हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं 1 पिंच के करीब गरम मसाला ऐड करूंगी और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती को ऐड कर दूंगी। इसको मैं दूंगी एक क्विक मिक्स और बस ये मज़ेदार सा साउथ इंडियन स्टाइल अंडा मसाला बनके तैयार है। इसको आप लोग रोटी के साथ, पराठे के साथ, प्लेन चावल के साथ, घी राइस के साथ या फिर एज ए साइड डिश भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलते हैं अनदर रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुआ में याद रखिएगा एंड अगर आप लोगों को कोई ख़ास रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस रेसिपी को शूट करने के लिए। फिर मिलते हैं
अल्लाह हाफिज़।